हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है सर्कल। और ये सर्कल आपका बोर्ड में 6 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है? 6 मार्क्स का। और ये मार्क्स बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्री के हैं, कि इसमें ज़्यादा कुछ टिपिकल बातें आएंगी नहीं। और ये पूरा इसका क्वेश्चन कहाँ से आएगा? NCERT का। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में क्या आ रही है? चॉइस। इसमें क्या आ रही है? चॉइस, मतलब ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं अभी सर्कल की वीडियोस अपलोड करके उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो आएंगे मेरे सैंपल पेपर के ऊपर। यहाँ पे मेरी टेस्ट सीरीज हुई थी आगरा की, सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज हुई थी, उसका जो पेपर है उसके सॉल्यूशन के ऊपर मेरी वीडियोज़ आएंगी। अगर किसी बच्चे के पास वो पेपर नहीं है तो 7983484979 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और अपनी क्लास लिख दीजिए और लिख दीजिए फॉर रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे और बाकी का आपको सब सॉल्यूशन उसका व्यूज में मिलेगा। देखो बच्चों, अब सबसे पहली बात, हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़रूरी काम तो यही है कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल का मतलब होता है, ये मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया और यहाँ से मैंने ये ले ली फिक्स डिस्टेंस। तो इस फिक्स डिस्टेंस का क्या केस बनेगा कि फिक्स डिस्टेंस से कोई एक मूविंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट। यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट है, वो मूव कर रहा है, तो हमने कहा भाई मूव कर ले, कोई दिक्कत नहीं है तेरे मूविंग से। बस मूविंग के लिए कंडीशन तो हमारी रखनी पड़ेगी। कौन सा? एक तो फिक्स पॉइंट रहेगा। कौन सा पॉइंट रहेगा? फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। दूसरा होती है आपकी फिक्स डिस्टेंस। क्या होती है? फिक्स्ड डिस्टेंस। इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और सर्कल का मतलब होता है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ मूविंग पॉइंट मूव्स अ डिस्टेंस, पार्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, देन द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट इज सर्कुलर पाथ। तो मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सर्कल में कुछ चीज़ें होती हैं सारे बच्चे जानते हैं, जैसे ये इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री को भी हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। अब बेटा देखो सर्कल क्या होता है, यहाँ पे देखना इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और हमें देखो, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो हो सकता है मेरा एग्जैक्ट ना आए, पर आपके पास तो सबके पास कंपास होगा तो आप घर पे बना सकते हैं आसानी से। अब सुनो बेटा, यहाँ पे इसका एक होता है सेंटर, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस हो गया। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़, तीन चीज़ें बता रहा हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले एक लाइन होती है सर्कल को 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करती हुई निकल जाती है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती जाती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड। अ लाइन पासिस फ्रॉम सर्कल या अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट लीस्ट 2 पॉइंट या एट 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट पर पास करते हुए, एटलीस्ट एटमोस्ट 2 ही पॉइंट्स होते हैं, उससे ज़्यादा हो भी नहीं सकते सर्कल में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक ऐसी होती है जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। एक सेकेंड हो गई, एक कॉर्ड हो गई। दूसरी सुनो बेटा, अब एक होती है टेंजेंट। कौन सी होती है? टेंजेंट। ये क्या होती है? ये टेंजेंट। अ लाइन टचेज अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, या आप ऐसे कह सकते हो अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट लीस्ट 1 पॉइंट या एट अ 1 पॉइंट। इन दोनों बातों में क्या है कि सर्कल को कोई लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ये हमेशा याद रखना, इससे रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, ठीक है, टेंजेंट। अब सुनो बेटा, इसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी है। यहाँ पे मैं इन चीज़ों के नाम बता रहा हूँ। अब बात यह है कि ये पॉइंट सर्कल में और टेंजेंट में कॉमन है। कैसा पॉइंट है? कॉमन पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है भाई, सर्कल के कम से कम
तीन वीडियोस आएंगी, उसमें पूरा सर्कल हमारा कवर हो जाएगा अच्छी तरीके से। और इस बार मैं सर्कल के कुछ एग्जांपल्स हैं, दोनों एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बताऊंगा। देखो बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या है, रेडियस, ये रेडियस। अब रेडियस और यहाँ पे एक रिलेशन होता है, ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये स्टेटमेंट होता है, नोट डाल के सारे बच्चे इस स्टेटमेंट को लर्न करेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है आपको लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, रेडियस इज अ परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन टेंजेंट। मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस कैसी है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ, भाई इस सिंबल का मैथ में डायरेक्ट क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको यूज करते हैं पैरेलल के लिए। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन टेंजेंट्स। टेंजेंट पे के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ये याद रखना, सिर्फ यहाँ पे होती है ना, यहाँ होती है ना, यहाँ होती है। इतना ही सर्कल का, छोटा सा सर्कल के बारे में डिटेल में आपको बताना था। इससे ज़्यादा भी है, पर उसके बारे में हम ज़्यादा भी चर्चा करेंगे नहीं। हमें सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करना है जो एग्जाम के हिसाब से इस समय इम्पोर्टेंस रखती है। सुनिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो करा रहा हूँ, एक्सरसाइज 10.1। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे आप, सबसे पहले बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है इसमें। एक्सरसाइज 10.1 और इसका जो पेज नंबर है, पेज नंबर है आपका 209। ये होगी आपकी एक्सरसाइज 10.1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन हैव अ सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर होगा इनफाइनाइट। एक सर्कल के लिए कितनी टेंजेंट हो सकती है भाई, तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर है इनफाइनाइट। ठीक है, या नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कितनी होंगी, होती रहेंगी, मतलब इनफाइनाइट होंगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैं फिलिंदा ब्लैंक्स एक एक करके समझाऊंगा आपको। फर्स्ट वाला, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वन पॉइंट पे टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। फर्स्ट वाले में आंसर कितना होगा, वन। फिलिंदा ब्लैंक्स को ऐसे करके आप भरोगे वहां पर क्या आंसर आएगा, वन, क्योंकि ये रहा आपका सर्कल और ये रही टेंजेंट। तो टेंजेंट ओनली वन पॉइंट पे करते हैं और उस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट बेटा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड। एक लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, टू पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड। सेकंड वाले का आंसर क्या है, ये रही। इस तरीके के इसको, अभी अभी सर्कल का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, उसमें बताया था सेकंड। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। अ सर्कल कैन हैव, तो इस वाले का आंसर है टू, और वो भी सबसे जरूरी बात है, वो डायमीटर के एंड्स पर होती है। किस पर होती है, डायमीटर के एंड्स पर। पैरेलल टेंजेंट हमेशा डायमीटर के एंड्स पर होती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स कितनी होती हैं, टू। मतलब यह कि पैरेलल टेंजेंट्स एक सर्कल के लिए हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ वाला, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड। अब जैसे ये वाला पॉइंट है टेंजेंट और सर्कल के बीच में, इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा, जल्दी सुनो ध्यान से, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे हम इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे बोल रहा है, अ पॉइंट पी क्यू
ठीक है, एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एंड अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर। लेंथ किसकी निकालनी है, पी क्यू की। अब देखो आपने सर्कल तो बना लिया, आप इसकी रेडियस ही बना सकते हो 5 सेंटीमीटर की, पर ये पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ में नहीं आएगा भाई, क्वेश्चन ने क्या बोल दिया इतनी जल्दी में। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान करना, टेंजेंट कितनी है पी क्यू, तो इसका मतलब पी क्यू का क्या है कि टेंजेंट हमेशा, देखो एक रफली डायग्राम पे मैं समझा रहा हूँ आपको कि टेंजेंट ऐसे ये है, ये रही ऐसे टेंजेंट पास कर रही है किसी एक पॉइंट से ड्रॉ किया आपने, तो इसका मतलब क्या है बेटा टेंजेंट इस पॉइंट से ड्रॉ की है तो टेंजेंट के लिए दो पॉइंट होने चाहिए। कहाँ होगा, एक तो पॉइंट होगा यहाँ पर, एक पॉइंट है ये रहा, तो दोनों पॉइंट के नाम है। अब मुझे नहीं पता पी को इसका नाम है, क्यू किसका लाइन है नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है उसने अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल रेडियस कितनी है 5। तो यहाँ पर लिख रहा है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, पी किसका पॉइंट है भाई, अब क्लियर हो गया सर्कल का, ये हमेशा ध्यान रखना, जब तक ये नहीं बना पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। पी ये रहा, क्यू मेरा ये रहा यहाँ पर, और इसको मैंने ऐसे ज्वाइन करा दिया, ऐसे करके निकल गया क्यू ये रहा। अब दिक्कत ये आ रही है पी क्यू उसने कितना दिया है 12 और ये कितना दिया है 5। अब ही मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाया था रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन टेंजेंट, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे कैसी होगी 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे, और ये क्या हो गया 90 डिग्री का मतलब ट्राइंगल हो गया, क्या हो गया ट्राइंगल, और ये आपका ओ। तो इन एनी ट्राइंगल इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन दैट्स कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। तो 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, और पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस ने आपको कह दिया भैया कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो स्क्वायर किया फिर उनका सम किया, तो ये मैंने ए ले लिया और ये बी, तो पाइथागोरस ये कहते हैं आपसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, मैंने मान लिया। तो एच स्क्वायर आपको एच फाइंड करना है, तो बेटा देखो एक सेकंड बेटा मैं इसमें ये देख रहा हूँ कौन सी लाइन हमने कहीं लाइन गलत तो नहीं लिख ली, ओ क्यू 12 दे रहा है बेटा, ओ क्यू कितनी दे रहा है 12, जो आपको गिवन है वो 12 ओ क्यू गिवन है ना कि कोई दूसरी साइड निकालनी, तो आपको ये है ओपी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो टेंजेंट की लेंथ हमेशा इस दो पॉइंट के बीच में लेते हैं, वैसे टेंजेंट एक रे या लाइन की तरह ही होती है, पर हमेशा हमने यहाँ से जिस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है उसको और जिस पॉइंट पर उसने सर्कल को किया ये, तो फायदा दोस्तों यही कहेगा रख दो इसमें हाइपोटेनियस 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर के बी, तो मुझे कैलकुलेट करना है 144 और इसका कितना होता है 25 प्लस बी स्क्वायर, 25 इसमें से माइनस कर दिया 119 इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो मैं आपको जो भी कुछ भी पढ़ा रहा हूँ उस सब की कैलकुलेशन मैंने आपके सामने ही की है, अलग से करके नहीं रख रहा कि मैंने अलग से कैलकुलेशन की और रख दिया आप लोग जाओ कर लो, नहीं देखो मैंने आपके सामने कर रहा हूँ तो आप भी मेरे वीडियो से ये हेल्प लेकर करने की कोशिश करें, जब मैं सामने कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं कैलकुलेशन में, ऐसा क्या है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ही आसानी से कर पाओगे। यहाँ से तो बी की वैल्यू निकल के आई प्लस माइनस अंडर रूट में 119, पर ये क्या है डिस्टेंस है तो माइनस साइन मेरा किसी काम का नहीं है, तो आंसर मेरा कितना हो गया 119, ठीक है, क्योंकि जब भी स्क्वायर लगा होता है रूट लेते समय वैल्यू प्लस माइनस रखते हैं, लेकिन माइनस होता है तो वो किसी काम का नहीं होता है। अब बेटा ऐसे ये मेरी एक्सरसाइज 10.1 खत्म होती है यहीं पे, जो 4 वाला क्वेश्चन वही कोई बच्चा कर सकता है, 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10.2 पेज नंबर 211 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, पहले मैं इसको मिटा दूँ फिर उसको करेंगे। अब उसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, क्या बोल रहा है, यहाँ से मैं करना शुरू करता हूँ, स्टेटमेंट लिखूंगा, ये स्टेटमेंट सारे बच्चों को याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में यही लिख के आ सकता है और बहुत ज़्यादा चांस है इसके आने के। क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब
जैसे लेंथ ऑफ का मतलब उसकी लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इस बात का मतलब है आपको उसकी लेंथ के बारे में कर रहा है, टेंजेंट की जो कहां से ड्रॉ की जा रही है एक्सटर्नल पॉइंट से, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, आर इक्वल, कैसी होगी इक्वल। तो इस बात का मतलब क्या है, देखो मतलब ये है कि एक सर्कल ड्रॉ करो, एक बाहर पॉइंट लो, उससे उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो उन जो टेंजेंट्स की लेंथ होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है भाई इस बार, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थ्योरम वैसे है, और कोई कहेगा नहीं मैं प्रूफ देख लेता हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा, तो एक बात याद रखना हमेशा, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन पता होना ज़रूरी है कि किस क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। क्या ज़रूरी है, क्वेश्चन पता होना ज़रूरी है, पता चलेगा सॉल्यूशन तो आपको अच्छी तरह